नमस्कार, समाचार सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूँ रंगीला 2.0 कवाज में। आप देख रहे G2.0 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पहले मुख्य समाचार। बिहार मुंगेर बरियारपुर कल्याणपुर के बड़ी दुर्गा में इस बार 2 करोड़ की लागत खर्च से दुबई की बुर्ज खलीफा के आधार पर गेट और अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज आधार पर भव्य पंडाल समेत कैलाश पर्वत बनेगा। कैलाश पर्वत के ऊपर शंकर भगवान का प्रतिमा स्थापित होगा, जिसका तैयारी जोर शोर से चल रही है पिछले 10 दिनों से। अब समाचार विस्तार से। कल्याणपुर के बड़ी दुर्गा में इस बार दुबई के बुर्ज खलीफा के तर्ज आधार पर भव्य पंडाल समेत गेट का निर्माण हो रहा है, जिसका लंबाई 80 फीट, चौड़ाई 55 फीट और ऊंचाई 150 फीट और साथ में बनेगा दुर्गा स्थान के पीछे स्टेज के सामने पूरब साइड। 35 लाख की लागत खर्च से 150 फीट चौड़ा, 70 फीट मोटा और 75 फीट ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत बनेगा। पर्वत के ऊपर 70 फीट ऊंचा शंकर भगवान का प्रतिमा स्थापित होगा। लाइटिंग के सहारे 70 फीट ऊंचा 12 ज्योतिर्लिंग बनाया जाएगा। 10 लाख की लागत खर्च से 150 फीट चौड़ा तथा 70 फीट ऊंचा अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज आधार पर भव्य पंडाल का गेट बनेगा। मेले के आकर्षण में सिर्फ लाइटिंग पर 32 लाख रुपया का खर्च होगा। इसका कम चंदन नगर कोलकाता के डेकोरेशन को दिया गया है। इस बार श्रद्धालुओं को लेजर शो के माध्यम से हनुमान चालीसा का पाठ दिखाया जाएगा। अब चलते हैं कल्याणपुर बड़ी दुर्गा के कुछ इतिहासों की ओर। यहाँ के देवी दुर्गा स्थान 351 वर्ष पुराना है, लेकिन उतना पहले चर्चा का विषय नहीं था। पिछले 4 वर्षों से बड़ी दुर्गा पूजा के समय में सुर्खियों में रहती है, जब से बड़े बड़े इमारत के तर्ज आधार पर भव्य पंडाल बनने लगा। तो 2021 में राजस्थान जयपुर के हवा महल के तर्ज आधार पर भव्य पंडाल का गेट बनाया था, जो कि विजयदशमी के 2-3 दिन बाद आंधी तूफान में पलट गया था। 2022 में मुंबई कोलकाता के ताज होटल के तर्ज आधार पर गेट बनाया था, जो कि नवमी के रात में आंधी तूफान आने से गेट का कपड़ा फटकर बर्बाद हो गया था। 2023 में तमिलनाडु मदुराई के मीनाक्षी मंदिर के तर्ज आधार पर भव्य पंडाल गेट और कोयम्बटूर के यादि योगी भोलेनाथ का प्रतिमा बनाया था, जो कि रंगीला 2.0 के न्यूज आने पर इस कलाकारों को भारी पड़ गया था, जिसके कारण से 6 महीना का गारंटी देना पड़ गया था कोयम्बटूर के यादि योगी भोलेनाथ के प्रतिमा के ऊपर। पिछले वर्ष 1.75 करोड़ की लागत खर्च से मीनाक्षी मंदिर, एफिल टावर समेत यादि योगी भोलेनाथ का भव्य प्रतिमा बनाया था। 2021 से अब तक बॉलीवुड सितारे का नाचगान प्रोग्राम होते रहा बड़े पैमाने पर। ना जाने इस बार बॉलीवुड सितारे का नाचगान प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, मुझे इसका कोई जानकारी नहीं है अब तक। 100 बात की एक बात है कि जिस तरह बॉलीवुड सितारे का नाचगान प्रोग्राम होता है, उसके अनुसार से इस मेला का ग्राउंड काफी कम पड़ता है, जिसके कारण से मेला सदस्य, मेला टीम पूरी तरह से खुलकर प्रचार प्रसार सूचना नहीं दे पाता है। चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कल्याणपुर बड़ी दुर्गा के भव्य पंडाल गेट समेत नाचगान प्रोग्राम की खबरें G2.0 के साथ बस इतना सा।